सन भाई आपने हैंड रेस किया हुआ, क्या क्वेश्चन आपका? हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये आपसे कहना था कि लास्ट टाइम आपने कुछ बताया था कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो आपके दराज पे नहीं लगाने, जिस तरह टूटने वाले प्रोडक्ट या रिलीज वगैरह इस तरह के, जी तो उस दौरान ना नेट चला गया था मेरा, तो वो मैंने जी नहीं, और आपने यूट्यूब पे भी नहीं लगाया उसका ना वीडियो लास्ट लास्ट जो लेक्चर था, उसकी उसकी वीडियो नहीं आपने दी, उसकी रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक अपलोड नहीं। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मेरे ख्याल से अपलोड हुई, तो नहीं, वो मैंने उसमें हो लेक्चर गई, हो गई हुई है अपलोड। आपने शायद लिंक नहीं देखा, ग्रुप में लिंक भी आ गया होगा। अपलोड हो गई या फ्राइडे को अपलोड हुई थी। चले मैं देख लूंगा। जी ये दराज, ये तीसरा लेक्चर जो हुआ, जी जी बिल्कुल चले ठीक है, मैं देख लूंगा जी। दोबारा। ओके ओके, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? जी मैं मेहदी, मैंने इंस्टॉल करके वैसे कभी किया नहीं, क्योंकि पीसी के ऊपर एक कॉमन स्क्रीन होती है। आप ट्राई कर लें और मुझे पर्सनल बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से जार्विस का तो मैं देख रहा था कि वो जार्विस चल जाता है, एक्सोनेंट का नहीं पता। और इसके अलावा आगे काफी ज्यादा ने हैंड रेज किए हुए थे। बाबा ना प्रॉब्लम है क्या बैंक बाबा को अच्छा, बोलना मोबाइल पे ये टूल्स चल जाते हैं लेकिन प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं शो करते। जी हसन खान साहब, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये था कि सर, सवाल तो नहीं था फिलहाल सर, सजेस्ट था कि जब आपका ये जो टूल है, जी जब आप चेक करें कि हाँ यार क्लास ऑफ करने के बाद चल रहा है या कभी भी चल रहा है, उसको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बना के वो अपलोड कर जी दें सर, अगर क्लास टाइम पे अगर वो रन नहीं कर रहा टूल तो। नहीं, रन कर रहा है वो उस दिन, उन 2-3 दिनों में रन नहीं कर रहा था। लास्ट थ्री हाँ डेज जब लेक्चर था ना, उन दिनों में रन नहीं कर रहा था, अभी रन कर रहा है। ठीक है आज सर, उसी के ऊपर मैं क्लास हो गई, हाँ आज उसी के अमेजोन ऊपर से क्लास रिलेट, हो। हाँ अमेजोन से रिलेट हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ टूल जो है ना वर्क करना छोड़ देता है बाज वक्त, तो बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे होंगे, हम तो सबर कर जाएंगे सर, जी, ठीक है। मैं आज इस वजह उसी से टूल बात के कर ऊपर रहा हूँ सर। क्लास हो, आज उसी टूल के क्योंकि ऊपर क्लास हो। कल जो है आपने, मैं हाँ कल आप लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें जीरो माइनिंग स्टेट जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था उसके थ्रू हंटिंग जी किया था। गुड गुड शुक्रिया सर, बस यही पता जी पता। जी जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लास ले रही हैं अक्सा सईद। आप फीमेल्स ग्रुप में मेंबर नहीं है, आप मेल ग्रुप में गालबन मेंबर है, तो आप कंफर्म कर दें कि आप फीमेल हैं या नाम आपका फीमेल और क्लास मेल ले रहे हैं, ये कंफर्म कर दें। सही दो दो स्पेशल बिस्मिल्लाह, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छा, आज का लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही है। लास्ट लेक्चर है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। जार्विस टूल के जरिए हमने प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह करनी है, ठीक है? अभी आपके सामने जार्विस टूल शो हो रहा है, ठीक है? jarvis.pk आप सर्च कर लें, उसके ऊपर आप चले जाते हैं। ये इसके ट्यूटोरियल वीडियोस आ जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप वो वॉच करना चाहें तो गुड।
उसके बाद जार्विस प्रॉफिट कैलकुलेटर आ जाता है, जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था, इसके जरिए जार्विस का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और ये रेट लिस्ट जो इधर शो हो रही है, ये आपने ओपन कर लेनी है, और यहाँ से आप जिस कंट्री में है, मतलब हम पाकिस्तान से हैं, व्यू कमीशन कर लें। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड मैं करता हूँ। अब शो रही है स्क्रीन? यस सर, अब हो रही है। जी ठीक है। बाय चांस कभी कोई मुलाकात से कभी अच्छा ये जार्विस अब आपको नजर आ रहा है सबको? अगर किसी को नहीं आ रहा तो बता दे। जी ठीक है। अच्छा ये आप जार्विस है, आपने जार्विस डॉट पी के सर्च कर लेना है, उसके बाद ये आपके पास मेन पेज आ जाता है जार्विस का, ये होम पेज आ जाता है। इसके बाद जार्विस के ट्यूटोरियल के ऑप्शन है यूट्यूब के ऊपर, इसके ट्यूटोरियल्स हैं जो इसके ऑनर्स ने अपलोड किए हुए हैं वीडियोस, तो अगर आप वो देखना चाहें तो हेल्पफुल वीडियोस होती हैं। और उसके बाद जार्विस प्रॉफिट कैलकुलेटर आ जाता है, पास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसके रिलेटेड बताया था। इसके जरिए हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं कि क्या प्रॉफिट है, उसकी कमीशन वैट इंक्लूड करके और उस टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट एंटर करके हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट हमें बच रहा है दराज की कमीशन और दराज वैट जब चार्ज कर लेता है डिलीवरी चार्जेस वगैरह हर चीज के बाद। और कमीशन किस तरह पता चलेगी ये भी आपको बताया था। कोई न्यू मेंबर है, ओपन लिंक न्यू टैब, रेट लिस्ट कर लेना, रेट लिस्ट को ओपन कर लेना, और इधर कमीशन रहती है सारी कंट्रीज की। ठीक है, जिस तरह आपको बताया था कि दराज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है तो डिफरेंट कंट्रीज की कमीशन रेट आ जाते हैं कि यहाँ क्या क्या कमीशन रेट है, हम पाकिस्तान के कमीशन रेट पे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ दराज के ऊपर जो कैटेगरीज का कमीशन आता है ना, वो एक्यूरेट शो होता है आपके पास, किस कैटेगरी के ऊपर क्या कमीशन है वो एक्यूरेट यहाँ आपके पास शो हो जाएगा। आ गया मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास टोटल कैटेगरी C1 शो हो रही है, C2, C3, C4, C5, C5 तक कैटेगरी शो होती है, लेकिन अभी इसके अंदर इंक्लूडेड कुछ ही है और बहुत कम होता है कि कोई कैटेगरी ऐसी हो जिसका इसके अंदर जो है ना शो ना हो रहा हो कि कितना कमीशन है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर कैटेगरी का इसके अंदर कमीशन शो होता है, 95+ कैटेगरीज का कमीशन इसके अंदर शो होता है। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा जार्विस के होम पेज पे चले जाते हैं। ये क्रोम एक्सटेंशन है, आपने अपनी आईडी बनाने के बाद जार्विस की क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है, और उसे डाउनलोड ऐड टू क्रोम करके उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जार्विस की आपने रजिस्टर कर लेना, अपना अकाउंट बनाना है इसके ऊपर, क्रिएट अ न्यू अकाउंट और फ्री अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड और दोबारा कंफर्म पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट सिंपल जिस तरह फेसबुक या कोई भी अकाउंट बनाते हैं उसकी तरह। अच्छा जार्विस से क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हंटिंग की जा सकती है, प्रोडक्ट रिसर्च की जा सकती है, प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड सर्च करता है, वेब एक्सटेंशन देता है जो आप दराज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जार्विस के जरिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये देखें मोबाइल के ऊपर भी ये रिजल्ट दे रहा है, ये मोबाइल का उन्होंने दिया हुआ।
ठीक है। जारविस फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और पेमेंट भी है, प्राइसिंग के साथ भी है कि जब आप इसको परचेज करते हैं तो ये फिर आपको कई फीचर्स ज्यादा देता है, उस तरह आपको फीचर्स काफी ज्यादा नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुछ रिजल्ट्स देता है और बाकी रिजल्ट्स शो नहीं करता। अच्छा, इसके डिफरेंट रेट हैं, बेसिक, अल्टीमेट और प्रोफेशनल। अच्छा, जो तो सिर्फ अपना अकाउंट रन करना चाहते हैं वो बेसिक परचेज कर लें और बेसिक के अंदर कोशिश करें कि वो उनका हो जाएगा, क्योंकि 20 प्रोडक्ट्स ग्रुप, ठीक है, ये काफी ज्यादा डाटा शो कर रहा है इसके अंदर। तो अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट परचेज दोबारा कर लें। और इसका यह है कि इसकी मंथ चार्जेस $5 है पर मंथ, ठीक है, और इसके अंदर पाकिस्तानी 278 रुपीज का डॉलर है इस टाइम, 78 मल्टीप्लाई बाय 5 1390 रुपीज बनते हैं, और यहाँ वैसे शो कर रहा है वो 800 रुपीज पर मंथ पाकिस्तान के। तो ये आप परचेज कर लें, कम से कम जिन्होंने अपना स्टोर लॉन्च करना है वो भी कोशिश करें कि एक दफा परचेज करके इसके जरिए प्रोडक्ट जरूर हैंड करें। और जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो भी, ये भी परचेज कर सकते हैं, उनका अगर ज्यादा सर्च है वो अल्टीमेट को भी परचेज कर सकते हैं, प्रोफेशनल को भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर है, 25% वो डिस्काउंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो भी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और उसके पास अपना स्टूडेंट कार्ड है, स्टूडेंट आईडी है, तो वो इनकी स्पोर्ट्स पे जाके अपनी स्टूडेंट आईडी की पिक्चर मेल करे और उनसे चैट करके 25% डिस्काउंट ऑफर ले, ठीक है। अब ये सारा प्रोसीजर है कि आप इसको रजिस्टर्ड कर लें, उसके बाद लॉग इन करें, ठीक है। अब मैं आपको इसके तरफ ले जाता हूँ कि लॉग इन करने के बाद ये क्या डाटा शो करता है। अच्छा, यहाँ डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स ट्रैक कर सकते हैं। देखें, आपको ये लॉगिन करने के बाद इसका इस तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट ट्रैकर आ जाता है, इसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट ट्रैक करना चाहें तो उसको एंटर कर दें, वो डेली बेस के ऊपर प्रोडक्ट ट्रैक करता रहता है। लाइक मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट को आपने ट्रैक करना, उसकी 5-7 प्रोडक्ट्स लिस्टिंग्स उठाएं, उनको सेव कर लें जिस तरह पहले होता था। तो अब आप क्रिएट ग्रुप कर लें, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी कीवर्ड डाल दें, लाइक हम मैजिक बुक की एग्जांपल ले रहे हैं उस दिन से, तो मैजिक बुक के ऊपर ही चलते हैं। मैजिक बुक, अच्छा, ये प्रीमियम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से एक ग्रुप से ज्यादा नहीं बना रहा। चलो मैं इसी ग्रुप का नेम को एडिट कर लेता हूँ, इसकी वैट जो मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के अलावा हर जगह 16% वैट है, ठीक है। और अच्छा, आप इसकी कैटेगरी किस तरह देखेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप प्रोडक्ट को देखते हैं ना, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको अभी शो हो जाती है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी शो हो रही है, टॉयज एंड गेम, लर्निंग एंड एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, और ये L4, L1, L2, L3 और L4, ठीक है। और अब इसको आप कैटेगरी को यहाँ से, सर स्क्रीन नहीं आ रही, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। अब शेयर हो रही है स्क्रीन, यस सर, अब हो रही है स्क्रीन शो जी, ठीक है। अच्छा, बता दिया करें अगर कोई भी इशू आ रहा हो। अच्छा, ये जिस तरह मैजिक बुक के आगे शुरू से एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैजिक बुक का ये सर्च कर ली, मैजिक बुक आ रही है। उसके बाद अब ये जार्विस का इंटरफेस, जब आप लॉगिन करते हैं ना,
तो उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास आ जाता है। यहाँ क्रिएट ग्रुप, आप कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसको ग्रुप क्रिएट कर लें और उसके ऊपर डिफरेंट उसकी 5 से 7 जो आपने लिस्टिंग ट्रैक करनी है, फर्स्ट 5 to 7 लिस्टिंग या 10 लिस्टिंग ट्रैक करनी है वो एंटर कर दें। ये एडिट ग्रुप की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। लाइक जिस तरह ये अब मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ग्रुप ने मैजिक बुक बैट 16 है। याद रखना है कि इस्लामाबाद के अलावा हर जगह बैट 16 चार्ज कर रहा है दराज, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कमीशन और सोर्सिंग प्राइस, हम यहां से भी कैटेगरी ले लेते हैं। अच्छा, ये आप कमीशन ओपन कर लें, ये कमीशन शो हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट के। और जिस तरह ये मैजिक बुक की मैंने लिस्टिंग को ओपन किया, यहाँ इसका टॉप के ऊपर कमीशन शो हो रहा है, टॉयज एंड गेम्स, लर्निंग एंड एजुकेशन, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये L1 है, ये L2 है, ये L3, L4 है। L1, 2, 3 चलता है और L4 कम ही होता है और L5 भी कम ही होता है, ठीक है। अब टॉयज एंड गेम्स और लर्निंग एंड एजुकेशन के अंदर हमने चल जाना है। नीचे आ गए, टॉयज एंड गेम्स के अंदर हम आ गए, ठीक है। और इसमें लर्निंग एंड एजुकेशन ये आ गई जी, लर्निंग एंड एजुकेशन। इसके अंदर उन्होंने आगे कैटेगरी मेंशन नहीं की, लेकिन ये कमीशन शो कर रहा है 11.5, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देना इसका कमीशन ग्रुप के अंदर, कैटेगरी का कमीशन 11.5 है, ठीक है। अच्छा, अभी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपने सोर्सिंग का लेक्चर तो इंशाल्लाह ताला कल होगा। आपको रेट्स के अंदर इशू आ रहा है कि यार प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह पता चले कि सोर्सिंग प्राइस क्या है, तो उसके लिए इजी है HHC होलसेल। HHC होलसेल पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसके ऊपर होलसेलर्स होते हैं डिफरेंट। चले, मैं आपको कल ही इंशाल्लाह ताला सोर्सिंग लेक्चर के अंदर ही बताऊंगा। तो सोर्सिंग प्राइस अभी इधर रहने दे कैलकुलेट, ठीक है। वैसे अंदाजन चले, मैजिक बुक है, इसकी सेलिंग प्राइस है 238, 399, 398 अब ये ग्रुप क्रिएट हो गया हमारा ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। उसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का लिंक, लाइक मैं अब ये प्रोडक्ट ओपन किया है, मैजिक बुक के ऊपर चलेंगे, सर्च की और ओपन लिंक। आपने तकरीबन मिनिमम भी 10 प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट इसके रिलेटेड नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, ये लिंक आप कॉपी कर लें और इधर लिंक पेस्ट करते हैं, ठीक है।
लाइन पर आर्डर दी की सर अच्छा ये देखें ये लिंक पेस्ट किया यहाँ ये ऐड हो गई है एक प्रोडक्ट ना उसके बाद हम सेकंड प्रोडक्ट का लिंक कॉपी कर लेते हैं इस तरह है कि इधर आप 5 प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं क्या और इसके अंदर अगर आप प्रीमियम परचेज करते हैं अभी आपको शायद पहले समझ ना आई हो कि ये परचेज करने से क्या क्या होगा ये देखें जिस तरह 200 प्रोडक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं आप इस टाइम यहाँ सिर्फ फ्री है ये बिल्कुल तो 5 प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं दो तो हम ट्रैक कर ली है एट अ टाइम हम सिर्फ 5 प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं लेकिन जिस तरह आप परचेज करेंगे 200 प्रोडक्ट्स की आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और 20 प्रोडक्ट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं यानी आप टोटल 20 प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं और हर प्रोडक्ट के आप 10 लिस्टिंग को ट्रैक कर सकते हैं ठीक है अभी देखें आप इधर सिर्फ इस टाइम एक ही ग्रुप क्रिएट हुआ है फ्री के अंदर और एक ही प्रोडक्ट को मैं उसकी 5 लिस्टिंग्स को ट्रैक कर सकता हूँ ज्यादा लिस्टिंग को ट्रैक नहीं कर सकता ठीक है ना अब ये देखें दो लिस्टिंग मैंने डाल दी है उनके लिंक और उनका नीचे मेरे पास डाटा शो हो रहा है ठीक है वो यूनिट प्राइस थी 39 है और रेटिंग उसकी 4.7 है रिव्यू 675 है ठीक है और ये सोर्सिंग प्राइस आ जाती है 220 हमने मेंशन की हुई है ठीक है वैट ये सेल्स टोटल डिडक्शन ये अनलॉक करने के बाद ये बताएगा प्रॉफिट भी और टोटल प्रॉफिट भी ठीक है ये वो जो दराज चार्जेस कटेगा और ये टोटल रेवेन्यू और सेल्स के मुताबिक ठीक है अब ये नीचे हर प्रोडक्ट का वो डाटा शो कर रहा है एसक्यू उसका शो कर रहा है कैटेगरी शो कर रहा है ब्रांड नॉन ब्रांड बैठा हुआ सेलर का नेम वो आपको बता रहा है ठीक है उसके बाद रिव्यूज बता रहा है टोटल प्रोडक्ट जो आपने एसक्यू डाली हुई है उसके ठीक है उसकी रेटिंग बता रहा है उसके क्वेश्चंस बता रहा है उसकी शिपिंग बता रहा है शिपिंग फीस कितने पड़े हैं प्राइस बता रहा है लिस्टिंग की एज बता रहा है सेल्स बता रहा है 30 डेज की सेल अच्छा ये देखिए ये इस लिस्टिंग के ऊपर 30 डेज सेल बता रहा है 570 और रेवेन्यू की जीरो रेवेन्यू क्लियर नहीं बता रहा और चले जाते हैं यहाँ लिस्टिंग जो ओपन किया उसके ऊपर अच्छा यहाँ ये देखें एक्सोनिन 573 यानी ज्यादा इनका फर्क नहीं है ठीक है लेकिन ये कि जो ये ऐप है जारविस का ये जरा इसका डाटा ज्यादा अच्छा होता है ये ज्यादा एक्यूरेट डाटा शो करता है इसी तरह ये दूसरी प्रोडक्ट है उसके टोटल 24 रिव्यूज बता रहा है 36 रेटिंग और क्वेश्चंस 5 है और शिपिंग 135 प्राइस लिस्टिंग एज और 233 यानी इसने न्यू लिस्टिंग की है और इसने 1.7 यानी 1.5 माह के अंदर अंदर ना इसने तकरीबन 233 यानी 300 पीस के पास भेज दिया उसका डेली यानी ऑर्डर 5-8 ऑर्डर आ रहे हैं उसे डेली बेसिस पे न्यू लिस्टिंग है इसकी ठीक है ना तो ये आप प्रॉफिट कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं इसके अंदर कमीशन मेंशन करके पैकिंग फ्लायर कॉस्ट लाइक कमीशन हम डाल देते हैं 11.5 इसकी कमीशन है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ये है सोर्सिंग होलसेल प्राइस आप कहते हैं 220 की आपको सोर्स हो रही है मिसाल के तौर पर इसका मुझे कंफर्म रेट नहीं पता फ्लायर कॉस्ट अगर आप मिनी फ्लायर यूज करते हैं 10 रुपीज आपकी फ्लायर कॉस्ट आ रही है वैट आप
इस्लामाबाद के अलावा कहीं बैठे हैं। अच्छा, पेमेंट हैंडलिंग फीस पहले होती थी, अब नहीं, अब पेमेंट हैंडलिंग फीस 10 रुपीज़ है, वो आप इसी के अंदर ऐड कर लें। जो 5 रुपीज़, बल्कि जो 1000 से नीचे प्रोडक्ट है उसकी 5 रुपीज़ है, 1000 से अबव प्रोडक्ट की 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ है, और 2000 से अबव प्रोडक्ट की 50 रुपीज़ है, अंदर 225 कर लिया रेफरल फी, कैलकुलेट कर लिया, तो उसकी कमीशन 39 दराज काटेगा, वेयर 28 और टोटल मार्केट प्राइस, नेट प्राइस 262 आपके अकाउंट में आएंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट 225 है, 37 रुपीज प्रॉफिट आएंगे। अगर ये आपको इसकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट 225 पड़ती है, ठीक है, तो इस तरह ही आप कोई भी प्रोडक्ट है उसका जब आपको होलसेल रेट पता चल जाता है तो आप उसका सर्च कर सकते हैं, उसकी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी स्टैट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट वर्जन के अंदर वो बता रहा है कि अवेलेबल होगा। आपकी जो 7 दिन की ट्रैकिंग है, ये 7 दिन ट्रैकिंग लगी हुई है कि वो डेली की ट्रैकिंग करेगा, तो डेली की ट्रैकिंग के स्टैट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, 7 डेज के स्टैट्स, ठीक है। इधर आप ग्रुप क्रिएट करें और इधर प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। मैं आपको सबको यही कहूंगा कि वन टाइम जरूर उसे परचेज करें, ठीक है, और उसके जरिए प्रोडक्ट हंटिंग आप करें। अगर कोई ज्यादा इशू है तो चलें आप किसी ग्रुप मेंबर से के साथ अटैचमेंट कर लें, कि किसी ग्रुप मेंबर्स के साथ अटैच होकर कोई दोस्त वगैरह आपको कर रहा है, तो साथ तो इकट्ठे मिलकर परचेज कर लें, कोई और आपको ग्रुप का साथी मिल जाता है, यार हम दोनों मिलकर परचेज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट ट्रैकर के बारे में मैंने आपको तकरीबन बता दिया, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। इसके बाद हम चले जाते हैं प्रोडक्ट डेटाबेस। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो खुद प्रोडक्ट शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जा भी सकता है प्रोडक्ट अच्छा विदाउट फिल्टर, वो आपको प्रोडक्ट्स के बता रहे हैं, बारे में बता रहा है कि अगर आपको इसके अंदर से कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप उसके अंदर जा सकते हो। लाइक कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसका उसने मतलब अच्छा अभी तक का शो किया हो। हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छी ला रही है जिसके रिव्यूज ज्यादा है, इसकी 140 यूनिट्स है, सेल्स 30 डेज की। अच्छा, कोशिश करें कि आप उसी प्रोडक्ट को टारगेट करें जिसके 300 सेल हो। और मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि मेन टारगेट जो है वो प्रॉफिट है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि यार आपको ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे 1 to 1000 अबाउट प्रॉफिट दे रही है, तो देन वो गुड प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह की आप 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जो 1000+ प्रॉफिट दे रही है, आप इजीली 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, अपने प्रॉफिट को पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें डेली बेसिस का जो प्रॉफिट है ना वो 1000 हो, मतलब आपकी अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपीज प्रॉफिट दे रही है उसको, उसकी डेली जो सेल है वो 10 to 15 की होनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी फेल भी होते हैं उसके अंदर और कोई रिटर्न भी हो जाते हैं। इस वजह से अगर 15 पीस सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 पीसेज आपके प्रॉपर पहुंच रहे हैं और उनके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि किसी भी प्रोडक्ट पे टारगेट करें तो उसका डेली प्रॉफिट जो है 1000 अबाव हो। तो ये देखें, ये सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट इस तरह की। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स का ये में एहतियात करें कि इनके अंदर मॉडल चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और इन प्रोडक्ट के अंदर इश्यू बहुत ज्यादा आ जाता है। अब मतलब इसकी रेटिंग देखें, हमारी रिक्वायरमेंट 18 फिल्टर है। मैंने आपको बताया था कि
4.2 से अबव रेटिंग हो, लेकिन इसकी 4.2 से अबव रेटिंग जो एलिमेंट इसके अंदर आप देख लें कि सबकी 4.3 ही रेटिंग जा रही है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। और इसके मेरे ख्याल से रिटर्न भी ज्यादा होते हैं इस तरह की कैटेगरीज के अंदर। तो इसमें हाँ, अगर किसी का फिजिकल काम है या कोई फिजिकल मार्केट में बैठा है तो देन अच्छा ट्राई करे, लेकिन कोई स्पेशल इन्वेस्ट करके जाना चाह रहा है तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने से गुरेज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं, ठीक है, ये खराब भी हो सकती है, कोई सो इशू आ जाते हैं इसमें। उसके बाद सुपर रैंक आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर वो आपको कैंपेन क्रिएट करता है आपके, आप किस तरह कैंपेन नेम, ये हम कैंपेन्स के लेक्चर के अंदर आपको स्टडी करवाएंगे। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आ जाती है, लाइक यहाँ मैं मैजिक बुक का कीवर्ड सर्च करता हूँ, अच्छा, नीचे इसके डिफरेंट कीवर्ड सर्च आ गए हैं, ठीक है, एक वो तीन अभी शो हो रहे हैं, बाकी हाइड है। ब्लैक मैजिक बुक उर्दू, मैजिक बुक फॉर चिल्ड्रन, ये तो कीवर्ड का स्कोर 203 है, 106 है, 106 है, इसके ऊपर इतनी लिस्टिंग्स है, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस और फिर रेटिंग इसकी क्या है, रिव्यूज कितने हैं, एवरेज ये बताता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इतना एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहा, हाँ ये कि परचेज करने के बाद आप चेक कर सकते हैं शायद एक्यूरेट डाटा। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेटर आ जाता है, क्रोम एक्सटेंशन आ जाती है, कैलकुलेटर हम कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे प्रॉपर, जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग और प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कितना प्रोडक्ट बच रहा है। उसके बाद मार्केट प्लेस कमीशन आ जाते हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप मेन प्रोडक्ट ट्रैकर और प्रोडक्ट, आपने मेन प्रोडक्ट ट्रैकर को यूज करना है आज, ठीक है, और वही टारगेट है, उसी के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, ये भी आप कोशिश करें कि अगर मेरे ख्याल से अभी तक इसका ये अच्छा शो नहीं कर रहा और परचेज करने के बाद शायद एक्यूरेट शो करे, ठीक है। अपने मेन जो मेरा भी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट ट्रैकर का ही है, प्रोडक्ट ट्रैकर ही इम्पोर्टेंट है और वही आपने यूज करना है। उसके जरिए आपने 5-7 दिन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर एक आप परचेज करते हैं 800 का, उसके अंदर 20 प्रोडक्ट्स आप ट्रैक कर सकते हैं, 20 ग्रुप्स बना के 200 प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो आपने मिनिमम 20 प्रोडक्ट्स मंडे तक असाइनमेंट उनकी क्रिएट करके, उनकी लिस्टिंग एक्सेल शीट क्रिएट करके कि क्या क्या उनके रिजल्ट हैं, ठीक है, वो आपने सबमिट करवानी है। अच्छा, अब आप सिंपल पेज के ऊपर आप आ गए हैं, दराज पे आपने आके मैजिक बुक सर्च किया, तो यहाँ जो एक्सटेंशन जिस तरह हमने जोनिन हंट की एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, ये जार्विस की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस तरह डाउनलोड करनी है, अपने इसे अप्लाई कर देना। एक सेकंड में Oh.
अच्छा, इस तरह की आपने इसको अप्लाई कर लेना। एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है और इसे अप्लाई कर लेना, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद जिस तरह एक जोनिएंट को अप्लाई करते हैं ना, ओपन करते हैं इसको, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जोनियंट को तो हमने अब ओपन किया और इसके सेलेक्ट करना होता है आगे कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कीवर्ड क्लाउड करना है या सप्लायर फाइंड करना है, ठीक है। जारिस को आपने सिर्फ क्लिक करना है तो आपके सामने ये लोड होना शुरू हो जाएगा, डाटा प्रिपेयर करेगा और आपके सामने प्रोडक्ट का डाटा शो कर देगा। चाहिए अभी परचेज नहीं किया हुआ, वो कह रहा है कि अपग्रेड करो या रीन्यू करो या सब्सक्रिप्शन को, फिर ये डाटा शो करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वो आपको मैजिक बुक का टोटल डाटा बता देगा, ठीक है। ये टूल है और इस टूल के जरिए आप एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि किसका क्या डाटा आ रहा है, किस चीज का क्या डाटा मेंशन हो रहा है। अच्छा, मैं आपके साथ एक कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक्सेल शीट का बना करना टेम्पलेट शेयर कर दूं कि आप उसके अंदर आपको मेंशन होगा कि ये प्रोडक्ट के यहाँ एसक्यूयू डालना है, यहाँ डाटा डालना है और आपने वो कंप्लीट उसके मुताबिक प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। वो जो जो चीज मैं अंदर मेंशन करूंगा ना, वो चीज आपने वो फिल्टर अप्लाई करना है, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है और मिनिमम सबने 20 प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें जो ये है कि लाइव लेक्चर आप ले रहे हो आप भी, और जो लाइव लेक्चर नहीं ले रहे यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो, मिनिमम 20 प्रोडक्ट्स आपने हंट कर मंडे को मुझे सबमिट करवानी है। मंडे को आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। ये मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि व्हाट्सएप पे सबमिट करवानी है या मेल करनी है। तो आपको मंडे को आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला उसे भी हम ग्रुप से रेज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट है और अगर आप फर्स्ट असाइनमेंट ही नहीं करते मतलब आपका कोई शौक नहीं, आप सिर्फ ऐसे ही कि यार फ्री कोर्स है चलो देख लेते हैं टाइम पास कर रहे हो, तो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। और जो टूल है, देखिए टूल का ज्यादा इशू नहीं है, 800 का शो हो रहा है, ठीक है, और 25% डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा इशू नहीं है, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। अगर आपके अपना स्टूडेंट कार्ड नहीं है, आपके भाई का, सिस्टर का या किसी का भी घर में स्टूडेंट कार्ड है, वो यूज करके आप परचेज करें, ठीक है। इस टूल को ये भी है कि 4-5 साल के बच्चे का जो नर्सरी में है या प्ले ग्रुप प्रेप में है, 2, 3 में है, 1 में है, उसका स्टूडेंट कार्ड यूज करेंगे तो वो शायद वो भी पकड़ लेंगे, यार इतने छोटे बच्चे जार्विस थोड़ी यूज कर रहा है। तो आप वैसे स्टूडेंट कार्ड यूज करके आप किसी का भी परचेज कर लें उसके नाम और आईडी से क्रिएट करके, तो आपको ये 1600 में 600 के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये 800 का ही है पाकिस्तान के अंदर, अगर $5 का है तो फिर ये बनता है 78 तकरीबन 1000 रुपये का फिर मिल जाएगा आपको 25% डिस्काउंट के साथ। और जो तो वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, वो ये यूज करें, फ्यूचर में शायद एक दफा इसको ट्राई करें, आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में आपके लिए जितना ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि आप कितना डाटा मंथली, अच्छा ये मंथली है, ये मंथली आपने पेमेंट इसे कर दी है, मंथली इसकी पेमेंट आई है और उसकी मंथली आपको ये चार्ज करेगा, ठीक है। ये एक मंथ के अंदर ये आपको देता है, हर मंथ आप इसको परचेज करें अगर तो हर मंथ आपको ये देता रहेगा। अपना जो तो अकाउंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना, उनके लिए तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक दफा लॉन्च सर्च करें, प्रोडक्ट रनिंग करें, लॉन्च करते हैं, उसके बाद उनका इससे काम नहीं है। जो वर्चुअल असिस्टेंट है, सारी बात है, उन्होंने न्यू न्यू लॉन्चेस करते रहना है, उनका इससे काम पड़ता रहेगा।
मैं आज जार्विस के ऊपर लेक्चर देना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपने मैंने आपको जिस तरह पिछले पास्ट टू लेक्चर्स के अंदर समझाया। अच्छा, जिसने कोई लेक्चर नहीं देखा हुआ वो कोशिश करे कि वो लेक्चर देख ले। और मैंने आपको एक चीज कही थी पहले दिन भी कि कॉपी पेंसिल पास रखें, उसके ऊपर चीज नोट करते रहें, ठीक है, ताकि आपको याद हो कि यार कि ये मेन पॉइंट बताया था। लाइक अब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी कोई बता सकता है मुझे कि वो क्या पॉइंट्स थे, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। हैंड रेज करें, कोई बता सकता है? हसन खान सर जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ब्रेकेबल ना हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो, ब्रेकेबल से मुराद यानी कि क्लास का ना हो, उसके अलावा कोई ऐसा कचकड़े का ना हो, ठीक है। एक आइडिया होता है कि ब्रेकेबल ना हो और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ना हो, ठीक है, जो सेल वगैरह के मामलात होते हैं उसके अंदर कि हम तो यहाँ से सही भेजते हैं जी, इस तरह के प्रोडक्ट हम जो है ना उससे अवॉइड करेंगे। अच्छा, ब्रेकेबल प्रोडक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं जाना। अगर आपको बहुत शौक है ना जाने का, मैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता कि आप 100% मना हो जाए। कई दफा होता है कि आपके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और आपके पास प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, लाइक किसी की अपनी दुकान है किसी चीज की और वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर बहुत ज्यादा सेल हो रही है, उसके लिए अलग परचेज भी नहीं उसे करनी पड़ेगी और ब्रेकेबल है, बस ये इशू आ रहा है। तो उसके अंदर यह है कि अगर तो वो कॉस्टिंग वेयर कर सकता है प्रोडक्ट के अंदर, वो एंटर करे कि यार वो उसको बबल रैप करता है, ठीक है, उसके बाद वो फिर भी बबल रैप करके चेक करे जिस तरह दराज पर प्रोडक्ट गिराते हैं उस तरह गिरा के भी वो प्रोडक्ट बच रही है, ठीक है, तो देन वो अप्लाई करे, टेस्ट जरूर करे अपने प्रोडक्ट को। लेकिन यह है कि इन चीजों से एहतियात करे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से भी एहतियात करनी है। अगर आप कोई किसी को शौक है या किसी के पास सोर्सिंग इजिली अवेलेबल है तो वो सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो सर एक 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 तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो है ना वो वही प्रोडक्ट ना जिसके पास से कम प्राइस में, हमने लो प्राइस में, या हमें लगे कि सर इससे हम जो है ना ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो हम इसे ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के बाद हमें पता चले कि हाँ यार इसका यहाँ तक है डिलीवरी तक के क्या रिजल्ट आया है, कहाँ इसे ब्रेक तो नहीं हुआ है, तो इसकी पैकेजिंग कैसे हुई है, इस चीज़ का भी श्योर कर सकते हैं जी। जी हसन भाई, आप क्योंकि अमेजोन करते हैं आप कुछ, तो हाँ ये आप जरूर करें। आप अक्सर ना हमारे दराज वाले प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं करते, इस तरह ही मंगवा लेते हैं सामान। आप कोशिश करें कि आप जिस होलसेलर से प्रोडक्ट मंगवानी है उससे भी एक सैंपल मंगवाएं, या जिस जितने होलसेलर से आपकी बात हो रही है वो डिफरेंट क्वालिटी की पिक्चर्स दे रहे हैं उनसे सैंपल मंगवाएं, और दराज के भी दो तीन टॉप सेलर से सैंपल मंगवाएं, तो आपके आपको आइडिया हो जाए कि क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है। वैसे रिव्यू से भी आइडिया हो जाता है, लेकिन सैंपल मंगवा लेना ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जी जी सर हम बिंदा यही कहते थे। जी जी ठीक हो गया, गुड हो गया। तबिंदा असलम आपका क्या क्वेश्चन है? शुक्रिया सर। तबिंदा असलम असलम यस सर। जी जी बताएं। जी बताएं तो बिंदा असलम। हसन रजा आप बताएं। सर मैंने ये पूछना है, जो जार्विस से हमने पैकेज लगवाना है वो जैस कैश होगा या बैंक अकाउंट से वो होगा, और वो जो काम नहीं कर रहा दराज पे उसके लिए भी वो करवाना जरूरी है असाइनमेंट के लिए, या
उसके बगैर भी वो असाइनमेंट बना सकता है जो अभी काम नहीं भी कर रहा दराज पे, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए जो तो कोर्स देख रहा है उसके लिए तो जरूरी है, ठीक है, और जो कोर्स ही नहीं देख रहा, ठीक है, और उसका दराज पे वर्किंग नहीं उसका जेन है तो ना करे, लेकिन जो कोर्स देख रहा है वो जरूर करे। और पेमेंट ट्रांजैक्शन आप जैस कैश इजी पैसा भी उन्होंने अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है, आप उसके ऊपर पेमेंट ट्रांसफर करके उसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेव कर लें, पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट सेव कर लें, और फिर उनको उनकी मेल के ऊपर जाकर उन्हें बताएं कि यार पेमेंट कर दिया, ठीक है। एक सेकंड मैं बताता हूँ, ऑनलाइन चेकआउट जारविस ऑफिस में आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, और आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप उन्होंने नीचे अकाउंट मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी जो है पेमेंट ट्रांसफर करके उसके बाद उनकी हेल्पलाइन मेल के ऊपर जाके उसके स्क्रीनशॉट शेयर करके पेमेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इन्होंने बता दें कि यार ये स्क्रीनशॉट है, पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है, अब हमें लॉगिन दे दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन? मैं मेहदी जी, आप करें क्वेश्चन मैसेज करके। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग हंटिंग जो है वो लिस्टिंग बेसिकली मोबाइल से देखें, मोबाइल ऐप के ऊपर वो डिफरेंट होती है लैपटॉप की नस्बत, तो जी जी उसका यूआरएल फिर हम कॉपी करके फिर लैपटॉप तक पहुंचाएंगे और फिर वहां से उसको ट्रैक करेंगे क्या? नहीं, ये लैपटॉप से भी आप कर लें। वैसे आप जब लैपटॉप से करें तो मोबाइल से भी एक दफा अंदाजा लगा लें कि जो रैंक मोबाइल के ऊपर इसका आ रहा है तो क्या वही लैपटॉप के ऊपर आ रहा है। डिफरेंट होती है लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। जब आप पहली 10 लिस्टिंग को ट्रैक करते हैं तो वो यही है कि पहली 10 लिस्टिंग के अंदर कोई इशू आ रहा होता है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो आप मोबाइल से एक दफा देख लें कि यार ये लिस्टिंग जो है एक्यूरेट आ रही है, और 80% 90% एक्यूरेट ही होती है मोबाइल के तरह ही, लेकिन ये कि मोबाइल के ऊपर एग्जैक्ट नंबरिंग आ रही होती है, लोग ज्यादा मोबाइल से परचेज करते हैं, लेकिन कैलकुलेट आप लैपटॉप से ही करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है यस सर, जी ठीक है। हसन खान सर, मुझे जो है ना जरा एक चीज समझ में नहीं आई इसके अंदर के, जैसे कि वहां पर लिखा हुआ था कि 5 ग्रुप और क्या नाम है 200 प्रोडक्ट्स एक्स वाई, 20 ग्रुप्स एंड 200 प्रोडक्ट्स। जी जी 200 5 ग्रुप तो मैं बना लूंगा, जैसे कि मैंने स्टेशनरी की बना ली, ठीक है, तो होम एंड किचन के बना ली, बेड एंड डाइनिंग की बना ली, एक्स वाई जेड जो भी है मुझे प्रोडक्ट हंट करना है, तो ये ग्रुप के अंदर ये जो 200 प्रोडक्ट्स जो आएगा ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये 200 प्रोडक्ट्स है क्या, उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को हम वो टारगेट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह हमने एक ग्रुप क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने आपके सामने 2 लिस्टिंग्स को ऐड किया, ठीक है जी सर, जो 2 लिस्टिंग मैंने ऐड किया वो 2 प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर यह कि हम हर प्रोडक्ट की मिनिमम 10 लिस्टिंग को ट्रैक करते हैं, वो जो 10 लिस्टिंग होंगी वो 10 प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब अगर आप 20 प्रोडक्ट्स को ट्रैक करते हैं ना, या 20 प्रोडक्ट्स को ट्रैक करते हैं तो आप उसकी हर प्रोडक्ट की 10 लिस्टिंग को ट्रैक करते हैं, तो वो तकरीबन 20 × 10 200 बन जाएगी। तो सर जरूरी हम 10 प्रोडक्ट को एक ही लिस्टिंग के 10 प्रोडक्ट को टारगेट करें? इससे यह है कि आपके पास एक्यूरेट डाटा आ जाता है, 10 सेलर्स तो टॉप होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते सारी शुरू में पहले टॉप 10 सेलर्स के अंदर जाना, उसके अंदर आपको पता हो चल जाता है कि पहले टॉप 10 सेलर्स के अंदर से सिर्फ पहले 2-3 सेलर सेल ले रहे हैं या टॉप 10 सेलर्स के ऊपर सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थोड़ी थोड़ी। जारी बात है जो पहले 2-3 सेलर है उनकी ज्यादा होगी, दूसरों की कम है, और मैं कितने अगर मैं 10th नंबर पे जाता हूँ 9th नंबर पे जाता हूँ तो मेरी क्या सेल होगी, मेरा मेन कंपटीटर शुरू में कौन है और लॉन्च के 1 वीक बाद मैंने किसे कंपटीट करना है, ठीक है,
तो ये सारी चीजें उसको एनालाइज करना, क्योंकि ज्यादातर शुरू वाले सेलर्स टॉप 10 ही सेल लेते हैं, तो उनकी एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन कितनी सेल ले रहा है, इस प्रोडक्ट की एवरेज सेल क्या है, उसके अंदर से आप अपना हिस्सा कितना ले सकते हैं। अच्छा, सॉरी मैं जरा जी कंपनी के अंदर हूँ तो मेरा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होता है। सब वो जो उस टाइम जावेस का बता रहे थे कि $5 का है, ठीक जी जी है, और फिर हाँ उस टाइम थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, तो फिर बाद में मैंने आगे चल के आपने क्लियर करा था कि 800 का भी है, 800 का ये किस मतलब तरीके से। फिर और आपने और डिस्काउंट भी बताया कि तकरीबन 600 तक का आपको जो है ना पड़ सकता है, ये थोड़ा क्लियर करेंगे। जी जी मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, $5 क्या, और जो नीचे उन्होंने पी किया रेट दिया हुआ है ना, उन्होंने डॉलर रेट अपडेट नहीं किया हुआ, मतलब अभी जो आज का डॉलर रेट क्रोम से मैंने चेक किया 278 रुपीज है, लेकिन उन्होंने ऊपर जी 5 डॉलर मेंशन किया हुआ है और नीचे उन्होंने 800 प्राइस मेंशन की हुई है, और 800 में वो परचेज आप कर सकते हैं। और 600 का किस तरह मिलेगा कि आप इसके ऊपर स्टूडेंट कार्ड, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो 25% डिस्काउंट ले सकते हैं, वो 25% डिस्काउंट अप्लाई करके आप, ठीक है, इसको सिक्स हंड्रेड में जी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो गए थे ना, तो इस वजह से पता कर जी लिया। जी 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 ठीक है, शुक्रिया सर। जी गुड हो। उसके बाद तबिंदा असलम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, हम ज्वेलरी वगैरह को एज अ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? जी आप यूज करें, लेकिन आप ये जरूर देखें कि आपकी जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, प्रोडक्ट से मतलब ये है कि एक कैटेगरी नहीं कि जिसके अंदर 10-15 मुख्तलिफ साइजेस और कलर्स और वेरिएशंस की ज्वेलरी हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट, लाइक आप एक अंगूठी का एक डिजाइन और एक कलर लॉन्च कर रही हैं, तो वो सिंपल उस कलर की उस प्रोडक्ट, वो सिंपल एक प्रोडक्ट जो है ना उसी साइज में उसके 5-10 ऑर्डर आपको डेली आते हो और वो आपको 1000 मिनिमम प्रॉफिट देती हो, ठीक है। कई ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इस तरह की, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बेसिकली डिजाइन ज्यादा से लॉन्च कर दें और डिफरेंट वेरिएशंस कलर्स की हो जाएं, डिफरेंट साइजेस हो जाएं, तो फिर आपकी बहुत ज्यादा सरदर्द हो जाएगी। लाइक आप लेबल प्रिंट करती हैं और आप लेबल लगाती हैं, आपसे एक आधा लेबल भी गलत लग गया ना, तो आपके स्टोर की परफॉर्मेंस को खराब करता है, और ये 90% हो जाता है कि लेबल गलत लग जाता है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं उतनी ज्यादा सरदर्द ज्यादा हो जाती है। जी, ओके। जी जी उम्मे मेहदी, सर, अगर हम लोग लिस्टिंग करते हैं तो मुझे जहाँ तक नज़र आया उस ऐप के अंदर कि अगर आप बेसिक भी प्लान को परचेज करेंगे तो सिर्फ जी पांच सेलर्स को ट्रैक कर सकते हैं या कि उससे ज़्यादा को भी, एक जी प्रोडक्ट की कैटेगरी को अगर यानी कि एक ग्रुप हम लोग करते हैं तो। सेलर्स, मैं समझा नहीं सेलर्स का क्या मुराद है। एक कोई सा भी ग्रुप है, मसलन ये कि मैं मैजिक बुक को कर रही हूँ ट्रैक, उसके सिर्फ जी 5 सेलर्स को ट्रैक किया जा सकता है या कि बेसिक प्लान के अंदर उससे ज़्यादा को भी? बेसिक प्लान अगर आप परचेज करती हैं तो ज्यादा को भी, 200 को भी आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अभी जो हमारे पास है वो बेसिक नहीं है, वो फ्री है। जी सही, हसन लेकिन भाई, मैंने जब फ्री को पढ़ने की कोशिश की है तो उसमें सर बेसिक के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कोई एक प्रोडक्ट भी अगर ज़्यादा ज़्यादा नज़र आता भी था तो सिर्फ एक सेलर नज़र आता था, उससे ज़्यादा नज़र ही नहीं आते थे, और हर चीज़ आउट ऑफ स्टॉक नज़र आती थी। जबकि ऐड टू ग्रुप वहाँ पर जाकर दराज पर जाकर देखें तो वो ऐड टू कार्ट हो सकता था, लेकिन जब इसके डेटाबेस में देखते हैं जार्विस के तो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रहा होता है। अच्छा वो जो पहले एक मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट हंट करते थे स्टॉक के जरिए, स्टॉक सर्च करके ना कि प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है, डेली बेसिस पे उसका स्टॉक ट्रैक करते थे कि आज इतना आज इतना, तो उसके स्टॉक को माइनस करना डेली कि यार इतने ऑर्डर आ रहे हैं डेली से, ठीक है ना। वो दराज ने बैकएंड से स्टॉक अपना शो करना बंद कर दिया, तो इस वजह से दराज स्टॉक अभी टूल्स के ऊपर भी शो नहीं होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स वही बस रिव्यूज के बेसिस के ऊपर, डेली के रिव्यूज जो आते हैं कि कितनी सेल हो रही है या 30 डेज के उससे? रिव्यूज भी, क्योंकि एक रिव्यू अगर आ रहा है तो उसके पीछे आप कह लें अंदाजन 10 सेल्स होती हैं, और दूसरा आप
आपने देखें दो तीन मेथड जिस तरह मैंने आपको बताया, उन दोनों तीनों मेथड से आपने अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट करना है। लाइक एक जोनिन हंट है, उसके जरिए आप ट्रैक करें, और फिर आपने जार्विस के जरिए ट्रैक किया तो जार्विस भी आपको बताता है कि कितनी सेल आ रही है, एक जोनिन हंट भी बताता है कि कितनी सेल आ रही है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा रिव्यूज को भी आप ट्रैक करके कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको माइक अनम्यूट किया था, बता दें। अच्छा जी सर, अगर हम लोग जार्विस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आता है कि कॉपी डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ जाता है, जब हम उसकी जी इमेजेस की डाउनलोड करना चाहते हैं या उसके टेक्स्ट को, तो वो कहाँ पे जाके कॉपी कर रहे हैं, मुझे तो कहीं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यानी आपने इमेजेस की तो समझ आ गई है, लेकिन टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये चीजें अभी इस लेक्चर के रिलेटेड नहीं है, मैं इंशाल्लाह ताला इनको इनके लेक्चर के अंदर अच्छी तरह कवर करूंगा। ओके सर, ओके, हो गया। जी हसन रजा, आपका क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था कि दराज पे जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका लेक्चर कब होगा, हम दराज पे किस तरह शुरू में ही अच्छा सा अकाउंट बना ले, उसमें मिस्टेक वगैरह ना हो और हम उसमें थोड़ा थोड़ा वर्किंग शुरू करें, तो उसका कब लेक्चर शुरू देंगे आप। और अच्छा, दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि अगर हम काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और पब्लिसिटी के लिए जो बूस्ट वगैरह करते हैं उसमें, अभी तो एक लैपटॉप लिया है और अभी एक पैकेज भी है, और इसके अलावा आगे हमें किन किन चीज़ों के लिए कितने कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी ज़रा मुझे बता दें। हसन भाई, आप लाहौर से हैं? जी सर, मैं लाहौर से हूँ, शालम मार्केट आपसे कितनी दूर है? तकरीबन 15 मिनट का, मैं दाता दरबार के पास ही रहता हूँ मैं। ठीक, हो गया। अच्छा, आपको मैं ये कहूंगा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन करके ना एक म्यूट कर दिया करें ताकि मैं आवाज में करप्टेड ना हो। आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक, असल इन्वेस्टमेंट होती है जब आप स्टॉक परचेज करते हैं, सबसे ज्यादा बल्कि इन्वेस्टमेंट वहां ही होती है। तो वो आपके लिए नहीं है कि आप प्रोडक्ट बाजार में जाते हैं, कोई दोस्त बना लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, आपको प्रोडक्ट देखते हैं कि यार ये मैंने सर्च किया, बाजार में जाकर उसका रेट लेते हैं, जी प्रोडक्ट अवेलेबल है, मुझे ऑर्डर आएंगे, मैं प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, आप मिल जाएगी, वो कहते हैं जी मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। अक्सर दराज के सेलर्स इस तरह करते हैं जो लाहौर रहते हैं, तो वो आप वहां जाएं डेली बेसिस पे, वो देखेंगे यार ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और यहाँ हब है, मैं इसको लाके पैक करता हूँ, वो भी आप कॉस्ट निकालने पेट्रोल के भी। लेकिन शुरू में ये है कि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये आप इस तरह स्टार्टअप कर सकते हैं। जारी बात है, जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिस्पॉन्स रेट आ रहा है तो फिर आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि वो नहीं सपोर्ट करते, जी भाई आप पता नहीं प्रॉफिट आएगा भाई ये नहीं इतना स्टॉक उठा के, जब आपको सेल आने लग जाएगी फिर आपको स्टॉक उठाने में इशू नहीं होगा, प्रॉफिट से भी स्टॉक उठा सकते हैं। और उसमें यह है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसको देखें जाके कि शालम में वो इजीली अवेलेबल है, सिर्फ एक बंदे के पास है, दो तीन बंदों के पास है, डिफरेंट के रेट्स क्या है, ठीक हो गया। अब उसको आपने देख लिया कि यार वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, अगर तो आपके पास इतने पैसे आएंगे आप 5-10 पीस उस प्रोडक्ट की उठा सकते हैं, तो आप 5-10 पीस ला के घर रख लें, ठीक है। उसके बाद जब आपको ऑर्डर आता है, आपके पास स्टॉक नहीं भी है ना, आपको जब ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से 48 आवर के अंदर, कभी 72 आवर के अंदर, ज्यादातर 48 आवर के अंदर अंदर ऑर्डर को हब तक जमा करवाना होता है, तो आप जाएं, आप जाकर वहां से प्रोडक्ट लें, पैक करें घर आकर या जहां भी पैक करें, और उसे हब तक पहुंचा दें, ठीक है। तो प्रिंटर अगर आपके पास है तो गुड, नहीं तो बाहर से प्रिंट करवा लें लेबल को, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। और अकाउंट क्रिएशन जो है ना, वो मैंने खुद ही, वैसे तो आम जो कोर्स करवाते हैं वो पहला लेक्चर ही इंट्रोडक्शन के बाद अकाउंट क्रिएशन कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट क्रिएशन के फौरी बाद आता है लिस्टिंग का लेक्चर, ठीक है, कि लिस्टिंग किस तरह करनी है। लिस्टिंग करते ही ना, अकाउंट न्यू क्रिएट करते ही अगर आप लिस्टिंग कर दें तो आपको बूस्ट मिलती है, तो उसके लिए पहले प्रोडक्ट हंट होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले आपको तरजीह दिया प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अब इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके बाद प्रोडक्ट की पिक्चर एडिटिंग के बारे में लेक्चर होगा, और SEO लिस्टिंग ऑफ का जो डाटा कलेक्ट करना है, ताकि आपके पास कंप्लीट जब डाटा कलेक्ट हो जाए तब हम अकाउंट क्रिएशन करें, और साथ ही प्रोडक्ट लिस्टिंग का लेक्चर दें, और आप डाटा अपने मतलब अपने हथियार तैयार किए हों, एक ही दफा मैदान जंग में कूद पड़ना है, ठीक है ना।
और जो रही इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी है रैंकिंग के ऊपर, लाइक आप टूल परचेज करते हैं 600, ये इन्वेस्टमेंट होगी, उसके अलावा कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना। और पैकिंग मटेरियल आप परचेज करते हैं, वो आप देखें एक पैकेट परचेज कर लें, वो 50 पीसेस का पैकेट मिल जाता है, ठीक है। वो दराज से आप परचेज कर लें, आप ऑफलाइन अगर आपको बाजार से मिल रहा है वहां से परचेज कर लें फ्लायर, वो जब अकाउंट क्रिएट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने तो कितना किस तरह परचेज करना है, ठीक है। वो पैकिंग मटेरियल आप 1000 का परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आपकी रैंकिंग की कॉस्ट होती है। रैंकिंग की देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो भी रैंकिंग का लेक्चर भी फर्स्ट कर दूं, ठीक है। और रैंकिंग का हम पर्सनली जो एक्टिव मेंबर हैं सिर्फ उन्हें मैं एक न्यू ग्रुप में ऐड करूंगा और उसी के अंदर मैं बताऊंगा रैंकिंग किस तरह हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब ग्रुप मेंबर्स के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकिंग का इंतजाम करूँ, क्योंकि रैंकिंग के अंदर काफी ज्यादा बजट लग जाता है। अभी इसके ऊपर मेरी वर्किंग है, तो इंशाल्लाह आप दुआ करें अगर इस तरह का कोई हो गया, जिस तरह भी 14 स्टूडेंट लाइव है, तो इस तरह 14, 15, 20 स्टूडेंट अगर हमें लाइव रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो हम एक दूसरे की रैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर यह है कि सब स्टूडेंट्स के साथ मैं एक पर्सनल मीटिंग भी करूंगा, और वो सिर्फ जो स्टूडेंट्स काम सबमिट करवा रहे हैं या जो एक्टिव रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर प्रोडक्ट की पिक्चर एडिटिंग और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की क्लास होगी उससे नेक्स्ट वीक रैंकिंग के रख के इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि रैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ जाएं हम। ये सिर्फ आप बैच के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक हो गया, क्लियर है हसन भाई जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद हसन खान आपका क्वेश्चन। उम्मे मेहदी आपका क्वेश्चन। सर। हम लोग अगर डिफरेंट कैटेगरीज चूज कर सर लेते हैं, मेरा ये सवाल था हसन भाई म्यूट कि हमें जो है ना एक क्राइटेरिया दे दिया जाए कि हाँ आप जो है ना रिव्यू इतना देखें, रेटिंग इतना देखें, ठीक है। प्राइस तो फिर हम अपने हिसाब से देख लेंगे जितना हमारा बजट है, ठीक है जी। बजट जो है ना वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे प्राइस के, हमें कितने हिसाब से। ओ सॉरी सर, वो म्यूट पे लग गया था दोबारा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि हम आप ऐसा एक क्राइटेरिया हमें बता दें या ग्रुप के अंदर सेंड कर दें कि भाई रेटिंग आपकी इतनी हो, कोई भी प्रोडक्ट देखें, ठीक है। रिव्यू इतना हो, प्राइस तो हम खुद देख लेंगे अपने बजट के हिसाब से। अगर नहीं भी देखते तो प्राइस अभी आर्जी तौर के लिए जैसे वो बना रहे हम लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, उसके लिए आप प्राइस भी हमें जो है ना एक शो कर दे कि हाँ यार आप 300 से लेके 400 या 1000 के अंदर अंदर की जो है ना प्रोडक्ट आप देखें। सही है सर, एक एक क्राइटेरिया, बस कहने का मतलब था सर, एक क्राइटेरिया हमें देते हैं कि हम इस क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए जो है ना प्रोडक्ट हंट करें। और सर एक चीज और अच्छा मुझे बता दें जी, कि जैसे कि हम अमेजोन पे हंट करते हैं, तो सॉरी सर डिस्टर्ब हो रहे होंगे बाकी सर, तो बस एक आइडिया मिल रहा होगा उनको कि हम जैसे हंटिंग करते हैं तो वहां पर अमेजोन पहले से एक्टिव होता है पास लिस्टिंग के अंदर, तो दराज भी इसी तरीके से लिस्टिंग रहता है। अच्छा, दराज पहले एक्टिव नहीं होता था लेकिन अब होता है। अब यह कि अभी भी दराज एक्टिव नहीं होता पर्सनली, लेकिन यह कि पीछे दराज ने चाइना की फैक्ट्रीज को अप्रूवल दी हुई है तो वो एक्टिव होती है अंदर, वो फैक्ट्री के लेबल के साथ आ रही होती है। अच्छा, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है ना लिस्टिंग, ये जो इसके अंदर हुए बैठे हुए हैं, ये वो चाइना के बंदे हैं या XYZ, तो हमें ये पता कैसे चलेगा ये जो है ना नॉर्मल अकाउंट नहीं है, ये जो है ना होलसेलर का अकाउंट है जो चाइना के अच्छा हैं। एक सेकंड, मैं आपको शो करवा देता हूँ, स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी भी शो नहीं हो रही? नहीं सर। अब शो आ...
अब शोर रही है? नो सर, नहीं अब सर, हो गई शो। अब हो रही है सर शो। ओके हो गया। अच्छा ये आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च किया है ना, ये टैग्स आ रहे हैं, जिस तरह ये हॉट टैग आ रहा है, बेस्ट प्राइस टैग आ रहा है, इस तरह ही इधर टैग आता है फैक्ट्री का। लाइक मैं कोई प्रोडक्ट मैं अभी तक आ नहीं रहा, उसके बाद ये देखें ये फिल्टर्स हैं, आप फ्री डिलीवरी, हॉट डील्स, बेस्ट प्राइस गारंटीड, ऑथेंटिक ब्रांड, दराज वेरीफाइड, कैश ऑन डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट, ये फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, कैटेगरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ब्रांड्स, ब्रांड के आपका नहीं है, कलर फैमिली भी नहीं आपने अप्लाई करनी, मल्टी कलर के ऊपर हमेशा रहना, प्राइस अगर आप कोई अपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि यार मैं मिनिमम मेरी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आपने जिस तरह बताया ना कि प्राइस को बता दूं, अक्सर बताते हैं लेकिन मैं कैद नहीं करना चाहता आपको कि यार इसी प्राइस के अंदर आप करो हंट। आप किसी के अंदर भी, मैंने आपको इवन टारगेट दिया कि आपने डाटा, हाँ किसी को कैलकुलेशन करने में इशू आ रहा है, मुझे पर्सनल चैट कर ले कि सर मुझे इस तरह, मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, मुझे इशू आ रहा है कैलकुलेट किस तरह करूँ, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने कैलकुलेट करना है कि यार मैंने एक प्रोडक्ट से मिनिमम डेली प्रॉफिट जो आना है वो 1000 बनाना है मिनिमम, तो उसके मुताबिक आप किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। चाहे आप टारगेट करें कि आप 100 प्रॉफिट एक प्रोडक्ट से बनाते हैं और 10 पीस उसके डेली सेल होते हैं, आप ऐसी प्रोडक्ट टारगेट कर लें, या कोई बंदा अगर ऐसी प्रोडक्ट टारगेट करता है कि एक पीस उसका डेली सेल होता है और वो ही 1000 प्रॉफिट देके जाता है, बहुत गुड प्रोडक्ट हो जाती है कि प्रोडक्ट की सरदर्द कम हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं संभालनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसको जिस तरह का आइडिया पसंद आए। अब उसके बाद रेटिंग आप इस यहाँ स्टार अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आपने स्टार बल के अप्लाई भी करने हैं सबने, ठीक है, ये आपने 4 स्टार अप्लाई करने हैं, उसके बाद नीचे पाकिस्तान अप्लाई कर लें लोकेशन, ठीक है अपनी, तो ये आपके सामने पाकिस्तान की शो होंगी, ठीक है, एज कोई नहीं है, वारंटी टाइप कोई नहीं आपने डालनी, डिलीवरी एज ग्रुप ये कुछ नहीं, और दूसरा भी फैक्ट्री प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कोई एग्जांपल, लाइक सर ये क्या नाम है, टूल के अंदर नहीं है, हम फैक्ट्री प्रो आओ उसके लिए टिक मार्क कर दें, नहीं मार्क कर रहे हैं उसके लिए भी टिक मार्क कर दें, नहीं नहीं टूल के अंदर नहीं है, बिल्कुल ही शो ना हो हमें, अच्छा वो इस तरह की शो हो जाए कोई इशू नहीं है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ बैठे। अच्छा ये जिस तरह हॉट डील का मैंने आपको टैग दिखाया था ना, हॉट डील का टैग जिस तरह मेंशन था, इस तरह ही इसी जगह येलो कलर का फैक्ट्री का टैग बना होता है, फैक्ट्री मेंशन होता है, वो भी वन भी आप कह लें ये अच्छा। 11/11 के बाद ये प्रोडक्ट्स आई हैं द्राज के ऊपर, पहले सिर्फ पहले नहीं आती थी आप भाई हैं, लेकिन अभी भी उनकी सेल इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उनकी डिलीवरी बहुत लेट होती है और अक्सर के रेट भी हाई होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करती हैं आपकी सेल्स को इतना ज्यादा जी अभी तक। जी मैं अच्छा क्वेश्चन सर, आपने जो 1000 रुपीज इसके प्रॉफिट की बात की, समझ नहीं आ रही कि 100 रुपीज की अगर एक प्रोडक्ट होगी वो 10 उसके ऊपर सोल्ड होते हैं तो फिर उसका जो 1000 बनता है, प्लीज क्लियर कर दो कि 1000 तस्वीर नहीं दिखता नहीं है हम ये हसन खान आप अपना माइक अनम्यूट करें। हसन खान अपना माइक म्यूट करें।
आप दोबारा क्लास ज्वाइन करें, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करें। जी उमेश मेहदी, आप क्वेश्चन करें। सर आपने जो 1000 रुपीज प्रॉफिट की बात की है डेली की, ये समझ में आया कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट होगा, मतलब क्या 100 पीस अगर एक प्रोडक्ट हो तो उसके 10 पीस सेल होते हैं, तो उसका जो उसको आप बता रहे हैं कि 1000 रुपीज प्रॉफिट या किस तरीके से वो जनरेट होगा, मुझे जरा प्लीज कैलकुलेशन थोड़ा सा समझा। जी ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर के जरिए बताया था ना कि आप ये प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, या जार्विस का प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको पास्ट लेक्चर में बताया कि उसकी कमीशन मेंशन कर दें, उसकी डिलीवरी चार्जेस, उसके सारा डाटा मेंशन कर दें, तो उसके बाद आपको एक एक बॉक्स के अंदर वो शो करता है कि आपका इस पर पीस प्रॉफिट कितना बन रहा है। वो जो पर पीस प्रॉफिट है वो जब 100 हो जाता है ना, तो फिर उसकी 10 सेल्स के ऊपर 1000 बनता है। अब लाइक आप कह रही है 100 रुपीज की आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसकी आपको टोटल प्रोडक्ट का 20-30 रुपए 40 रुपए बच रही है, 10-20 रुपए दराज चार्ज कर रहा है, उसका तो 10-20 रुपए बनेगा प्रॉफिट। तो ऐसी प्रोडक्ट के जिसका 100 मिनिमम प्रॉफिट हो, या कोई जिसकी सेल है डेली की 15-20-25 पीसेस सेल है, उसका 50 रुपीज प्रॉफिट हो, तो ये एनालाइज करना है आपने कि प्रॉफिट कैलकुलेट डेली बेसिस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रोडक्ट का, फिर उस प्रोडक्ट की डेली ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इसका जरूर 1000 प्लस हो, ताकि आपको एक प्रोडक्ट 30,000 मंथली रेवेन्यू जनरेट करके दे प्रॉफिट का। उसकी जारी बात है जो 100 प्रॉफिट होगा ना, वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 500 प्लस होगी। ठीक है, या बहुत कम है कि 500 से नीचे प्रोडक्ट वाला भी 100 प्रॉफिट दे, 500 प्लस अबाउट प्रॉफिट हो प्रोडक्ट प्राइस होगी तो वो 100 प्रॉफिट देगी। ठीक है, हाँ ये जरूर किसी भी प्रोडक्ट में जाए तो उसमें 10-25% प्रॉफिट रेशो मिनिमम 10%, बहुत ज्यादा मिनिमम भी जाके आप 10% से नीचे प्रॉफिट परसेंट ना रेशो ना हो, लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट वो ही है कि जिसमें 25% प्रॉफिट है। ठीक है, वो आपको जार्विस ही बता देता है कि इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया या कोई रहता डाउट? सर इसके अलावा ये कि अगर हम स्टोर वाइज देखें, जब अपना स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में जाके एक एक दो दो प्रोडक्ट्स रखना भी ठीक है, या कि किसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग फोकस करें उसके उसको हंट करने की कोशिश करें, क्या ये स्टोर के ओवरऑल इंपैक्ट के ऊपर फर्क पड़ता है कुछ? ओवरऑल इंपैक्ट के ऊपर तो आप जितने ज्यादा लिस्टिंग करेंगे तो स्टोर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सरदर्द बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड करने की बजाय इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर आप स्पेंड करें टाइम, जिनके डेली ऑर्डर 10 अबव हो, ठीक है, उनको आप मेन के ऊपर जाकर बैठ जाएं। ठीक है, और एक दो तीन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, मिनिमम 3 प्रोडक्ट, मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपना दिमाग डिवाइड करें। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी ना, उतनी आपकी सतर्क इंक्रीज हो जाएगी। आपको आप मेरे ख्याल से कराची से, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, तो आप एक ही मेन 2-3 प्रोडक्ट्स मेन लॉन्च करें जिनके डेली बेसिस के ऊपर वो आपको 1000 प्रॉफिट दे। हाँ, उन्हीं के अंदर सेल इंक्रीज होती जाती है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डेली बेसिस पे सेल इंक्रीज होती जाती है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट टारगेट कर लें जिसके ऊपर 2000 प्रॉफिट हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ऑब्जर्व करें और अपना प्रॉफिट भी देखें। आप कोशिश करें कि ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ना जाएं, एक 2-3 मेन प्रोडक्ट अपनी रखें, ताकि आप उनके ऊपर टोटल फोकस कर सकें। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स रखेंगे उनके ऊपर फोकस करना आपका उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनको रैंक रखना, उनकी डेली डाटा एनालिसिस करना, उनका स्टॉक मैनेज करना। ठीक है, पैसे डिवाइड हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके, तो आप कोशिश करें कि मिनिमम प्रोडक्ट्स हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जी ठीक है, उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी बताएं। जी उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा किसी का नहीं यार, सईद मलिक। इनका क्वेश्चन है कि बल्क में प्रोडक्ट बाय करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अच्छा इसके ऊपर दो तीन चीजें देखते हैं सईद भाई, आप किस सिटी से हैं? अगर तो आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, या जिस सिटी में आपको प्रोडक्ट इजीली उसी सिटी को होलसेल बाजार से अवेलेबल है, ठीक है, इस्लामाबाद से हैं, फैसलाबाद, मतलब जहां होलसेल बाजार है बड़ा और वहां से आपको प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है जो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर तो आप एक दिन का स्टॉक उठा लें फर्स्ट में, ठीक है, मतलब 10 पीस 15 पीस 20 पीस उठा लें। अगर आप कराची से मंगवा रहे हैं, आपको आने में प्रोडक्ट कितना टाइम लगता है, जितने दिन फिर आपको प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने में लगते हैं ना, उससे 2 3 दिन ज्यादा का स्टॉक उठा लें। जब आपके पास स्टॉक एंड वाला होने वाला हो तो आप वो फिर ऑर्डर कर दें। तो ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टॉक उठाना है। आप चाहे अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो फिर उसमें होता है कि आप 3 माह का 6 माह का स्टॉक उठा लें। ये इंशाल्लाह कल सोर्सिंग के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि कितना कितना स्टॉक आपको उठाना चाहिए। उसके अलावा किसी का क्वेश्चन? जी ठीक है, शायद किसी का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अब इस तरह है कि आपको मैं कल सोर्सिंग के भी लेक्चर दे दूंगा कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह आपने सोर्सिंग करनी है, और सोर्सिंग से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो आपने आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे फिर भी 3 दिन है, कल आज का भी दिन है, कल का भी दिन है, तो आपने मुझे मंडे तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मंडे को हर सूरत आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। और हसन भाई आप आगे कह रहे थे कि जिस तरह नॉर्मल आप एक ट्रायल के लिए ये हंटिंग करके असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं, आप इस तरह ना करें, आप सारे कोशिश करें कि आप उसके ऊपर अपनी 100% एफर्ट लगाएं और अपनी प्रोडक्ट्स वो हंट करने की कोशिश करें जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने अपने स्टोर लॉन्च करना है, वो कोशिश करें कि वो वही प्रोडक्ट ए टू जी हंट करें जो लॉन्च करना चाह रहे हैं, और जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो भी 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट हंट करें, तो उनकी इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट या तो हम सेल कर देंगे या वो खुद ही पर्सनली फेसबुक के ऊपर जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर दें। अगर उनसे ना हुई तो शायद मेरी टीम ने भी प्रोडक्ट परचेज करनी हो, कोई अगर पसंद आ गई मेरी टीम उनसे परचेज कर लेगी, वरना फिर उनकी प्रोडक्ट को हम सेल कर देंगे फेसबुक पे या कहीं भी, जो क्लाइंट वगैरह आते हैं, 5,000 की प्रोडक्ट हंटेड सेल हो जाती है विद सोर्सिंग, विद सोर्सर के नंबर के, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर भी मुकम्मल 100% अपनी लगाकर पावर हंट करें, और जो इन्वेस्टर है वो भी, ताकि जो वो प्रोडक्ट हंट करें फिर हम उनमें से देखेंगे कौन सी, ये 15 20 प्रोडक्ट आपने हंट किया इनमें से, यार ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आप लॉन्च करें, ठीक है, ताकि ये आप ट्रायल ना करें इसको। आप मैं आपको साथ साथ अपने कोर्स को इसी तरह शेड्यूल दे रहा हूँ कि आप साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, और जब कोर्स कंप्लीट हो तो आपको ऑर्डर आ रहे हो, ठीक है जी। हसन भाई आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो तो मैंने इस वजह से बात कही थी कि अवॉइड कर, हमें तो जिस चीज का बताया गया है अवॉइड करना, उसको अवॉइड ही करना है। वो आपने जी जो दूसरा ऑप्शन दिया था ना कि यार बिल्कुल ही अवॉइड ना करें, ठीक है, अगर आपको अच्छे प्राइस मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस हवाले से बात कर रहा था कि ऐसी बात है सर, इतना बड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, तो हम उसकी सेफ्टी पैकेजिंग वगैरह देख लें कि हाँ यार वहां से यहाँ तक आने में क्या रिजल्ट है, ठीक है, जहाँ हम 50 60 हज़ार लगा रहे हैं तो वहाँ 1,000 2,000 और लगा के चेक कर ले तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा सर, इस हवाले से मैं बात कर रहा था। बाकी ऐसे तो सर हम अवॉइड ही करेंगे उन प्रोडक्ट को तो। अच्छा इस तरह है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने अवॉइड करने का बताया ना, आप स्टार्टअप में पहली 2 3 लॉन्चों से अवॉइड करें, जब आप को 5 6 माह काम करते हो गया उसके बाद आप एक्सपीरियंस करें जरूर किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, एक्सपीरियंस आप करें, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं खुद जब मैंने कोर्स किया था तो बहुत ज्यादा उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शंस बताई थी, तो मैंने जी कुछ माह उनके ऊपर अवॉइड किया, लेकिन फिर मैं हर चीज को ट्राई करता था,
क्योंकि ट्राई करने से आप कई दफा अपना न्यू एक्सपीरियंस बिल्ड करते हो और कई चीजें होती हैं जो आपके साथ अच्छा हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है वो 500-600 रुपया प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, लेकिन वो टूटने वाली प्रोडक्ट है। अगर मेरी 100 रुपए उसके ऊपर कास्ट आ जाती है बबल रैप की और मैं इतनी अच्छी उसकी पैकिंग करता हूँ कि अब वो टूटे ना रस्ते में जाते हुए, जिस तरह मर्जी गिरे, ठीक है, जी, तो जी। फिर भी वो मुझे 200-300-400 तक प्रॉफिट दे रही है और उसकी सेलिंग प्राइस 1000-2000 है, तो फिर गुड प्रोडक्ट है वो। तो ये कैलकुलेशन सारी इंशाल्लाह ताला ना आप करें, लेकिन ये है कि स्टार्टअप में आप इस तरह की किसी भी प्रोडक्ट से एहतियात करें जिसमें थोड़ा सा नुकसान का रिस्क ज्यादा हो ताकि वो आपको स्टार्टअप में डिसहार्ट ना कर दे। जी जी सर, इसी तरीके से हमने एक प्रोडक्ट जो है ना हंट करा था अमेज़न की बात कर रहा हूँ, जो हमें अनगेटेड कैटेगरी के अंदर ना हंट करने के लिए मना किया गया था, तो हमने फिर भी जो है ना जाहिर बात है एक अकाउंट होल्ड करते हुए आ रहे थे, तो हमने जो एक फूड सप्लीमेंट के ऊपर हंड किया प्रोडक्ट, क्लाइंट को पसंद भी आया क्योंकि $50 का जो ना वो सेल हो रहा था, $50-55 का सेल हो रहा था, तो सोर्सिंग उसकी आ रही थी $20 की और टोटल पैकेजिंग वगैरह वेट वगैरह सब चीज़ डिलीवरी चार्जेस समेत जो है ना $25-27 तक का वो पड़ रहा था हमें, ठीक है, तो इतना वीआईपी प्रोडक्ट था सर, तो इसी हवाले से बोल रहा था सर कि हम ट्राई कर सकते हैं इस हवाले से, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो है ना अवॉइड करें। बिल्कुल सर, आधा आधे का प्रॉफिट आ रहा था। हाँ बिल्कुल, जारी बात है, उसको 100% प्रॉफिट ही कहते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उतनी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना जी। इसमें यह है कि आपने अच्छी बात बताई है, इससे ये भी है कि आप हेल्थ एंड ब्यूटी की भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर जाना चाहें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा उसका एनालिसिस है, लेकिन यह कि कोशिश करें आप मशवरा कर लें किसी अपने ग्रुप मेंबर से, अपने अच्छे ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाएं ताकि जिनसे आप बातचीत कर सकें। मैंने फीमेल ग्रुप के अंदर एक चीज है कि सर जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अब जो है ना दराज भी जो है ना गेटेड कैटेगरी फॉल कर रहा है, तो सर ये वहां से तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से जो है ना ले लिया करते थे, क्या बोलते हैं, अप्रूवल ले लिया करते थे वहां पर शो करने के लिए अमेज़न के ऊपर। तो मैं वही बताने लगा हूँ कि आप अप्रूवल ले सकते हैं, यहाँ भी अप्रूवल दिखा सकते हैं दराज को ना, ब्रांड अप्रूवल लेकर आप डिस्ट्रीब्यूटर की या ब्रांड अप्रूवल लेकर ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो कोई अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको समझ रहे हैं कि यार अच्छा प्रॉफिट है स्टार्टअप में उसका, 20-25 हज़ार पे आपको ब्रांड अप्रूवल लेते लगता है, तो कोई मसला नहीं है, आप उस प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। अच्छा जी, देखिए मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, मैं कहता हूँ कि हर वो प्रोडक्ट जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट आप जाए, लेकिन कैलकुलेट जरूर करें कि इसमें लॉस कहाँ कहाँ खतरा है और इसकी क्या क्या डेटा है। जी सर। अच्छा सईद मलिक क्वेश्चन है कि ऐसी प्रोडक्ट आप लोग कर सकते हो जो लोकल बाजार में अवेलेबल ना हो। जी सईद भाई, ऐसी प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही पाकिस्तान पूरे में अवेलेबल ना हो, दराज के ऊपर भी अवेलेबल ना हो, अमेज़न के ऊपर सेल उसकी अच्छी आ रही हो, एक हेल्पफुल गैजेट हो, मतलब कि आपको पता हो कि यार ये अगर मैं सेल करता हूँ तो इसके ऑर्डर जरूर आएंगे, लाइक कोई प्रोडक्ट है कि लेटर है, मिसाल के तौर पे लेटर है, वो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यार आप देखते हो कि वो आग लगाने का एक हेल्पफुल गैजेट है, उसके जरिए बड़ी अच्छा सेटअप इजीली आग लग जाती है, तो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो पूरे पाकिस्तान में शायद दराज पे शॉपिफाई पे कहीं नहीं मिल रही है, अमेज़न के ऊपर या बाहर की मार्केट्स में है, वो आप लॉन्च कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और कोई प्रोडक्ट अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रही है जिसकी सोर्सिंग मुश्किल है, तो उसकी आप कोशिश करें, अगर चाइना सोर्सिंग मिलती है तो फिर आप लॉन्च करें, या कराची से ऐसी सोर्सिंग जिसका स्टॉक खत्म ना हो, अगर आप लोकल सोर्सिंग या आप जहां से भी सोर्सिंग कर रहे हैं ना, बस ये आपने श्योरिटी करनी है कि उसके स्टॉक खत्म होने का आपको डर ना हो, अगर आपका स्टॉक खत्म हो जाए ना तो फिर आपको बहुत इशू आ जाता है, मिसाल के तौर पर आप प्रोडक्ट रैंक करते हैं उसका स्टॉक अगले दिन खत्म हो गया मार्केट में, फायदा रैंकिंग का आपके सारे मेहनत जाया जाती है। जी हसन भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? हसन रजा सर, मैंने कोई अच्छी सेल हो रही है जिस तरह
तरह ये सोन हलवा हो गया या पंजीरी वगैरह या कुछ इस तरह, तो इसको भी हम काम कर सकते हैं। दूसरा मैंने ये पूछना था कि सर आपने जो बात बताई थी कि आप प्रोडक्ट हंट करें प्रॉपर जो आपने सेल करनी है, तो वो उसकी मुझे तो थोड़ी समझ नहीं आई कि आप कह रहे थे कि वो हम आपकी सेल करवा देंगे, तो वो क्या प्रोसीजर है। तो और तीसरा ये कि हम अब ये कोर्स कर रहे हैं तो हम अपना ये बिजनेस स्टार्ट ही समझे कि हम साथ साथ बिजनेस भी करेंगे और फिर और कोर्स भी जारी रहेगा। और चौथा मैंने सर ये कहना था कि टीम मुझे अगर पूरे लेक्चर शुरू हो जाए तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अब नमाज का टाइम जमात खड़ी होने लगे 5 बजे। और चौथा सर ये कि एक प्रोडक्ट है वो मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, ना वो उस पर है दराज पे है, ना वो अमेजोन पे, ना फेसबुक पे, तो उसका जो थंबनेल वगैरह होता है वो कोई कैसे सर्च करेगा, वो सर्च ही नहीं होगी तो वो मेरी सेल कैसे होगी। ये पहले एक तजर्बा मेरे दोस्त ने किया था, वो और मैं इकट्ठे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम हैंडल लॉक वगैरह बनाते हैं जो दराज वगैरह से जो घर में होती है, अलमारी वगैरह, शोकेस वगैरह, तो वो हमारा काम चला ही नहीं, हमने वो बंद कर दिया, तो उसका क्या तरीकेकार होता है ये भी ज़रा मुझे बता देना, ठीक है सर।